नमस्कार, लेट्स कुक विद भूमिष्ठा में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। इसे व्रत में बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए चलिए देख लेते हैं। मैं एक कप ले रही हूँ सूजी, घी, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और उबला हुआ पानी, शुगर। ड्राई फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ काजू और किशमिश, और ले रहे हैं थोड़ा सा बादाम। सबसे पहले थोड़ा घी डालेंगे हम। हमारा एक कप में घी ले रही हूँ, इसमें हाफ कप डाल के काजू को थोड़ा भून लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, काजू को निकाल के हम इसमें हमारा सूजी को भूनेंगे। ये देखिए, सूजी थोड़ा ब्राउन होने तक या कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे घी में। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। अभी हमें इलायची पाउडर डालना है इसमें, चीनी। आपको कितने कितने क्वांटिटी में चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अभी इस समय आप ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं, मैं किशमिश को ही डाल रही हूँ। अभी हम गर्म पानी, जो उबला हुआ पानी था उसको मैं डाल रही हूँ। इसको डाल के हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक देना है, ये अपने आप पक जाएगा। देखिए उबाल आने लगा है अभी। अभी हम इसमें ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2-3 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, देखिए पानी अब्जर्व हो चुका है सूजी में और अच्छी तरह से पक गया है। और थोड़ा हम ड्राई करना चाहें तो और थोड़ा पका सकते हैं। घी और हमारा जो बाकी जो घी था उसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा और ड्राई हो सके और सूजी हमारा अच्छी तरह से पक जाए। देखिए आपका सूजी नहीं पका है अभी तक, थोड़ा थोड़ा उसमें कच्चेपन है, तो 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के सीम आंच में रख दीजिए। देखिए मेरा सूजी जो है पक चुका है अच्छी तरह से। अभी हम एक बाउल में सर्व करेंगे। आप इस समय ही ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसको डेकोरेट कर रही हूँ। देखिए कटा हुआ बादाम और हमारा रोस्टेड काजू और थोड़ा कुछ किशमिश था उसको भी मैं डाल रही हूँ। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।